इतना घिनौना आदमी सोच नहीं सकता है वैसा उस बच्ची के साथ में हुआ इस क्राइम के अंदर जिन्होंने उस क्राइम के अंदर इन्वॉल्व है उनको फांसी से कम सजा होनी नहीं चाहिए। मुंबई के डोंगरी इलाके में 7 साल की मासूम बच्ची की किडनैपिंग और हत्या का मामला सामने आया है। ईद के महज एक दिन पहले ही मुंबई के डोंगरी इलाके की 7 साल की बच्ची रात के समय घर से कुछ लेने के लिए निकली थी मगर घर वापस नहीं लौटी और अब उस बच्ची का शव मिलने से इलाके में लोगों में काफ़ी गुस्सा फूट पड़ा और लोग धरने पर बैठ गए। विधायक आमिन पटेल के खिलाफ लोगों में काफ़ी गुस्सा रहा कि वो विरोध कर रहे लोगों से मिलकर बात करें। हालांकि फिर विधायक आमिन पटेल ने इनसे मुलाकात की। हालांकि डोंगरी पुलिस ने एक 22 साल के संदिग्ध को हिरासत में लिया है मगर जिस तरह से 7 साल की मासूम की लाश मिली है इस पर बच्ची के साथ रेप कर हत्या करने की बात भी कही जा रही है। हालांकि अभी रेप की पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस ने किडनैपिंग हत्या का मामला दर्ज किया है। अगर रेप की पुष्टि होती है तो नाबालिग से रेप का मामला भी दर्ज होगा। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है आखिर कितने लोगों ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। जो हादसा हुआ है वो मेरे पास शब्द नहीं है उस हादसे की निंदा करने के लिए। मेरे पास शब्द नहीं है कि इतना घिनौना आदमी सोच नहीं सकता है वैसा उस बच्ची के साथ में हुआ है। जैना बापा ने कुछ दिन पहले मुझको फ़ोन किया था, बच्ची की माँ से बात हुई थी, मैंने पुलिस को बोला था और क्राइम ब्रांच के साथ में मिल करके लोकल पुलिस ने केस को इस बच्ची की बॉडी को ढूंढ के निकाला। हमारी मांग ये है, लोगों की मांग है, मेरी मांग है, कल हम एडिशनल पुलिस कमिश्नर DCP से हमारी मीटिंग है, बच्ची के माँ बाप होंगे। इस आदमी को जो भी लोग इस क्राइम के अंदर जिन्होंने उस क्राइम के अंदर इन्वॉल्व है उनको फांसी से कम सजा होनी नहीं चाहिए। मैं बच्ची के घर गया था, बच्ची के नाना से मिला था, मैं JJ हॉस्पिटल गया था, मैंने JJ के डीन से बात किया था, शाम को उनके नाना से मिलकर तस्कीन करने की बात हुई थी। कुछ लोग वहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद थे, कुछ लोग मौजूद नहीं थे। जो लोग मौजूद नहीं थे वो मिलना चाहते थे, वो लोग यहाँ आए। ये ऑफिस जो है वो पब्लिक की ऑफिस है, कोई भी आ सकता है, पूरी रात आ सकता है। जब मैंने उनसे बात किया उनका एक ही मांग थी कि इस दरिंदे को फांसी मिलनी चाहिए और इंशाल्लाह फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को चला करके बड़े से बड़ा वकील उज्जवल निकम साहब का सजेस्ट किया मैंने नाम, वो केस लड़ेंगे और इसकी सजा इस दरिंदे को जल्द से जल्द दिलाएंगे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।